गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार अनलॉक वन में आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि खोलने की छूट दे दी गई है। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अमन समीर के नेतृत्व में सुबह 8 बजे किला मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो विसी किया गया, तो उसमें डायरेक्शन ये दिया गया था कि मास्क पहनना जो है हम लोगों को अनिवार्य करना है। उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कम से कम जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग लोग कम कर रहे हैं। तो जन जागरूकता से अधिक से अधिक लोग पहने, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। भोजपुर को हम लोग कंटेनमेंट जोन से आज हम लोग मुक्त कर देंगे। ये होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, ये उचित कहना नहीं होगा। हम लोगों की जो टीम जा रही है, उसमें एक कॉलम भी रहता है कि जो लोग जो होम क्वारंटाइन है वो घर पे मिल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा है, कुछ ही लोग हैं जो घर पे नहीं मिलते हैं। अदरवाइज जो है, जितने लोगों को अगर घर पे जाया जाता है, रेंडमली जो हम लोग भेज रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, वो लोग वहाँ पर मिलते हैं। जो आप देख रहे हैं, रेंडमली हम लोग जो है होम क्वारंटाइन के लोगों का टेस्टिंग भी करा रहे हैं, और उससे पहले जो है करीब 150 लोगों का होम क्वारंटाइन के लोगों का उसका टेस्ट जो है नेगेटिव आया। कल वाले में जो है 7 लोगों का हम लोगों का है, तो उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। जागरूकता रैली के दौरान सब्जी विक्रेता, फुटपाथी दुकानदार एवं आम आदमी के बीच मास्क वितरण किया गया। वही आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही ज़्यादा बढ़ गई है और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। लोग धैर्य रखें और सतर्क रहें। लोगों से बस यही अपील है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मत समझे कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल गया है तो कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना का संकट अभी भी चल रहा है और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मास्क पहनना, ताकि दो लोगों के बीच एक डिस्टेंस, ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन हो सके। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक के 100% लोग जो है बाहर जब भी निकले तो मास्क पहन के निकले। हम लोगों के सामने दोनों समस्या है, एक तो जो कोरोना को लेकर जो डायरेक्शन दिया गया है उसको भी फॉलो करवाना है, और उसके साथ साथ लॉकडाउन के बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं और कुछ क्राइम की घटनाएं न करें, इसके लिए भी हम लोग सजग हैं। इसी के कारण लगातार रैंडमली किसी भी टाइम कहीं पे भी चेकिंग हो रहा है, धार्मिक स्थल है उनको खोला जाना है। तो उसके संबंध में एक सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दे दिया गया है, वो लगातार भ्रमणशील रहते हुए ऐसे जो भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करवाएंगे। अगर कहीं पे दिक्कत, कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। गमछा भी लगाना चाहिए ना, इतना दिन से नहीं संभल। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय, DSP सतीश कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ये सभी मास्क पहनकर और हाथों में तख्ती लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। बैठना चाहिए।